सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं इस टाइम भाई हिसार में हूँ, भाजपा कार्यालय में आदमपुर को लेके बात है। हमारे साथ हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी हैं। सर नमस्कार। नमस्ते भाई। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज आंदोलन जो आपका इलेक्शन है थोड़ा सा उठ नहीं रहा, क्या बात? अभी तक कोई भाजपा की टीम या कुछ ऐसा नेता कोई एंट्री नहीं कर रहा सर वहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है और उसी गंभीरता से हम आदमपुर चुनाव को लड़ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट भव्य बिश्नोई गांव गांव दौरा कर रहे हैं। हर जगह हमने अपने विस्तारक भेज दिए हैं। संगठन की मीटिंग चल रही है। आज भी जो मीटिंग हमारे जो संगठन की मीटिंग है गांव के कार्यकर्ताओं की, आदमपुर में और इधर बालसगंज में, तीन जगह चल रही है। और आगे की विरोचना हमने कर ली है कि कौन से नेता आएंगे, कौन गांव में रहेगा, कौन दौरा करेगा। और अभी तो चुनाव का जो फार्म भरे गए हैं, सिंबल मिलने का टाइम अभी है, तो एक हम संतुष्ट हैं कि हमारा जो चुनाव लड़ने का तरीका है उस हिसाब से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब प्रोसेसिंग आपके हिसाब से चल रही है, लेट नहीं है आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं आज आदमपुर में था, दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ पे आए हुए थे, जबरदस्त उनकी स्पीच थी, जेपी साहब बहुत शानदार बोल रहे थे, क्राउड बहुत अच्छा, आज हुजूम था कांग्रेस का। तो वहाँ पे ना तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कोई था, ना भाजपा के ऑफिस में कोई था, ना किसी और के ऑफिस में। मने लगा कभी इस आंधी में सब कुछ उड़ गया। खैर, भूपेंद्र हुड्डा जी की एक टीम है, वो चाहे पंचकुला में जाएं, दिल्ली में जाएं, वो 200-300 आदमी रखते ही रखते हैं, ताली भी बजती है। वो टीम यहाँ ले आए, अच्छा जोश से भाषण दे लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ का किसान तो खेतों में व्यस्त है अभी, इतना ज़बरदस्त काम का टाइम है, बिजाई का, कटाई का और काम करने का। तो आप एक चीज़ किसी से पूछ लेते हैं उस गांव के आदमी से कि इसमें गांव के आदमी कितने हैं, इस क्षेत्र के आदमी कितने हैं, तो आपको वो जानकारी दे देता। चलो अगले गेड़े में ध्यान रखूंगा जी। अच्छा सरकार हो जी, आपको देख लेना चाहिए, तो आपको पता लग जाता है, कपड़ों से पता लग जाता है, किसान के कपड़े और नेताओं के कपड़े। तो हर पार्टी के साथ ही ऐसा होता था, जब आप जाते होंगे। नहीं, हम टीम लेके जाते ही नहीं, हम अगलों से मिलने जाते हैं, हमको अपना प्रदर्शन करने नहीं जाते। लेकिन एक हवा माहौल तो बनता है कांग्रेस के अंदर, एक कल्चर है कि जहाँ भी ये नेताओं की टीम है तो वो कहीं भी जाएं वो टीम लेके ही जाते हैं, और उन्हीं टीम पे ताली बजती है, उन्हीं टीम पे भाषण होता है और उन्हीं टीम पे प्रदर्शन होता है। आज आप ये बताओ, पता कर लो, कह के जाना चाहिए कि भाई हर आदमी को, उसमें से जो उनके लोग थे ताली बजाने वाले, आधे आदमियों को तो आप भी जानते होंगे। लेकिन एक माहौल सा तो बनता भी, इतना क्राउड, इतना कुछ नहीं, अपने आप को भ्रम में रखने से कोई फायदा नहीं होता। ओके। यहाँ की जनता, ये क्षेत्र जो है चौधरी भजनलाल का रहा है, आज तक उस परिवार से कितने इलेक्शन लड़े हैं, 50-60 साल में कोई इलेक्शन हारे नहीं। ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, इनका पारिवारिक रिश्ता है, हल्के गहरे हर एक एक परिवार से व्यक्तिगत रिश्ता है। और एक तरफ जो है उनका प्रभाव, दूसरी तरफ आज तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो बगैर भेदभाव के विकास के काम करती है। इलाके में जाके पता करिए कि भाई पिछले भाजपा के टाइम में अब यहाँ नहरों में पानी आया है, भाजपा के टाइम में माइक्रो इरीगेशन की स्कीम आई है, भाजपा के टाइम में बाजरे का भाव अंतर का पैसा मिला है, भाजपा के टाइम में सरसों का सबसे ज़्यादा भाव मिला है, भाजपा के टाइम में कपास का सबसे ज़्यादा भाव मिला है, नहरों पे 300-400 करोड़ रुपये खर्च किया है। टाइम में किसान आंदोलन हुआ? हाँ, किसान आंदोलन भी कांग्रेस का किया हुआ था, मैं तो बोलता ही रहा शुरू से, वो कृषि हथियाने का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन नहीं था। और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका, तो मोदी जी को भी झुकना पड़ा उस मामले में। मोदी जी ने राष्ट्र हित में चाहे कितना ही झुकना आ जाए, ये देखना जरूरी होता है। जब ऐसी माहौल क्रिएट कर दिया जाए, कोई आदमी वो चाहे कि हमारे को गोली चलाओ, तो अच्छा है कि हाथ जोड़ के निकल जाए। हम भी हमारे जगह जगह रास्ते रोकते थे तो एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से निकल जाते थे, हम छोटे थोड़ा हो गए। लेकिन आज कहाँ हैं वो लोग? उन लोगों की जमानत हुई जब्त हुई है। वो जो लोग कहते थे यूपी में हरा दें, उनका क्या नतीजा मिला? पंजाब में उन्होंने पार्टी बना के देखी। आज वो दोबारा फिर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के वो किसान को बदनाम करने वाले लोग हैं, किसान के नाम पर जो है शोषण करने वाले लोग हैं, किसान का भला करने वाले लोग नहीं। मुख्य सवाल ये है जी, जो जनता भी कंफ्यूज है, भाई हमारे कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा में आए क्यों? इसके बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं। एक तो कारण ये लगा है भाई, जो 200 करोड़ का ईडी का छप्पा सा बचने के चक्कर में वो भाजपा में आ गए, या जो
उन्होंने लगा भाई विकास हो नहीं रहा, विपक्ष में बैठे हैं काफ़ी साल से, तो अब भाजपा में आ जाऊँ तो विकास हो जाओगा, क्योंकि विपक्ष में बैठे रहने से फिर खट्टर साहब शायद थोड़ा सा पैसा कम दे, अब थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे। क्योंकि एक दिन कल ही की बात है, कुलदीप बिश्नोई जी कहने लग रहे थे कभी इन 1.5-2 साल में तो मैंने 350 करोड़ मिले, इस हफ्ते 10 दिन में हमने 550 करोड़ मिल गए। तो कहीं ना कहीं अच्छा JP साहब से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने अलग ही कारण दे दिया कि उदयवान जी से नाराज हो रहे थे, उनको बड़ा पद मिल गया तो इसलिए वो उन्होंने छोड़ना पड़ा। आपने क्या करा? देखिए, जो ये करोड़ों रुपए की बात करते हैं तो ED का केस तो सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे भी है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का FIR भी दर्ज है, जमानत पे वो है। क्या वो भाजपा में आ रहे हैं? क्या भाजपा ही लगवा रही है छापे? नहीं, भाजपा नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। जो किसी के खिलाफ का, लेकिन कभी भाजपा के नेताओं पे नहीं लगते ये ED? भाजपा के नेताओं पर भी है, अगर किसी ने गलत किया होगा, और भाजपा के नेता पर ज़बरदस्ती कैसे लगा दे जब वो गलत काम करे ना, तो गलत काम करेगा उसके ऊपर ये कानून अपना काम करेगा। दूसरी ये है कि भाजपा की नीति ऐसी है कि समान विकास करे, सब जगह तरक्की के काम करे। अब मोदी जी ने सारे जनधन खाते खुलवाए, टॉयलेट बनवाए, सिलेंडर दिए, किसानों को जनधन खाते में पैसा दिया, कोई पार्टी देख के नहीं देते, वो एक गरीब वर्ग को ऊपर उठाने के लिए देते हैं। आज देश में जो माहौल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो देश का रुतबा है, पहले ऐसा कभी नहीं होता। आप करोड़ों भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं उनमें से किसी से पूछ के देखो कि भारतीय कहलाने में उनको फख्र महसूस होता है। विदेश में तो पाकिस्तानी भी अपने आप को भारतीय कहते हैं। विदेश नीति तो हम भी मान सकते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन जब लोकल स्तर पर आ जाए, हरियाणा के स्तर पर आप देखिए कि यहाँ पर धंधा राजनीति क्या थी कि आप मुझे वोट दो, मैं आपके 3rd degree वाले को नौकरी दिलाऊंगा, कंपार्टमेंट वाले को नौकरी दिलाऊंगा। क्या ये उचित था कि गरीब का मेरिट का बच्चा, टॉपर बच्चा रोता रहता था, और एक नेता के रिश्तेदार जो 3rd degree वाला था या कंपार्टमेंट वाला था वो नौकरी ले जाता था? लेकिन आज भी बहुत सारी सरकारी नौकरियों पे केसेस लगे हैं, बच्चे अटके हैं, केसेस लगे हैं। बेईमानी, हमने ये नहीं कहा कि हम रामराज ले आए हैं, लेकिन जो पकड़ में आता उसको छोड़ा नहीं जाता, कार्रवाई करते हैं। अभी भी कोई बच्चों का रिजल्ट बहुत लेट तक नहीं दी, वो हाई कोर्ट ऐसी है कि कोर्टों के अंदर कांग्रेस की सारी नौकरियां हटगी, वापिस होगी, चौटाला साहब के टाइम की होगी, हमारे टाइम की नौकरी लगी हुई कौन सी निरस्त हुई है अभी तक? पूरे हर नौकरी हमारे यहाँ देरी क्या होती है कि पहले तो हम एग्ज़ाम एडवर्टाइजमेंट करें, फिर बच्चों का एग्ज़ाम लें, फिर कोर्ट से उसे पास करा के लाएं, कोई कोर्ट में जाएगा, 1-2 साल लगे, तो ये है, लोग कोशिश करते हैं हमारे। लेकिन माहौल तो ये चला हुआ ना कि भाई भाजपा जो है सारा निजीकरण कर रही है, जो सरकारी मिल रही है उन्होंने नौकरी खत्म करने लग रही। क्या निजीकरण कर दी हमने? जो नौकरी हरियाणा की है, सरकारी स्कूल बंद करने लग रहे हैं जी। कोई हमने, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के वक्त से ज़्यादा 1.5 नौकरी दिए पीछे, इस साल भी जो कांग्रेस का 10 साल है उससे ज़्यादा नौकरी देंगे, लेकिन सरकार ही नौकरी सब नहीं मिल सकती। रोजगार के साधन जगह जगह उपलब्ध करा रहे हैं, स्किल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसानों के लिए अलग अलग स्कीम लेके आ रहे हैं, डेयरी की अलग स्कीम लेके आ रहे हैं, मछली पालन की स्कीम लेके आ रहे हैं, मशरूम की स्कीम लेके आ रहे हैं। तो जो रोजगार के साधन जो अपने गाँव में बैठा बैठा करेगा किसान का बेटा, तभी देश की तरक्की होगी। मैं जब अग्रोहा से बरवाड़ा, बरवाड़ा से तब आगे जा रहा था तो एक गांव आता है बधावड़, मैंने वहां पे देखा लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा। सही नहीं निकलेगा, वो ऐसा है कि लोग जो डाणियों की तरह वहां पे एक घर में रह रहे हैं वो छोड़ के जाते हैं। ये समस्या इस बार जो है बेमौसमी बारिश ने किसान को बहुत परेशान किया है, कभी सोचा नहीं था कि इस मौसम में बारिश आएगी, और लेकिन हमने ज़्यादातर जगह पानी निकाल दिया है, और ये स्पष्ट आदेश है कुछ भी हो जाए किसान का जहाँ पानी भरा है हम गेहूं की बिजाई करवाएंगे, मोटर लगा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल के पंप भी लगा रहे हैं, और ज़्यादातर जगह निकाल दिया है। अभी भी जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पानी भरा हुआ है, लेकिन उसको निकाल के किसान की बिजाई कर। जिन लोगों ने ब्याज पे लेकर पैसा लिया था, खेती शुरू करी थी, वो पैसा भी डूब गया, वो खेती भी खत्म। नहीं नहीं, वो उसका भी हम जो सरकार, देखिए हरियाणा सरकार में हमने कहा है भाई किसान अपना बीमा कराएं, सबसे ज़्यादा पैसा किसानों को बीमा के द्वारा दिलवाया है। आदमपुर हल्के के अंदर पिछले 2 साल में अकेले हल्के में 55 गांव हैं, 77 करोड़ रुपए का बीमा मिला है इस साल, पिछले साल 50-55 करोड़ रुपए का मिला है,
और किस, अब हम बीमा जबरदस्ती नहीं कराते, कांग्रेस वाले तो कहते थे बीमा सेठ साहूकारों के लिए है, कितना फायदा किसानों को हुआ है। ये बाकी का जो बीमित किसान नहीं है उसका भी अलग से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ गिरदावरी में गड़बड़ की थी उसके ऊपर दुरुस्त करवा करके उसका पैसा भी इशार के उसमें भेज दिया गया। चलो अंतिम प्रश्न सर, आदमपुर में कितने वोटों से आपका आंकड़ा है, क्या कहता है कि कितनी वोटों से जीत हो? ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा, लेकिन बहुत अच्छे तो अब लोग जो हमें जो मिलते हैं वो ये कहते हैं जी एक तरफा तो भजनलाल जी का अपना पारिवारिक संबंध इनका हल्का है ही, एक तरफ भाजपा का संगठन, भाजपा की विचारधारा, भाजपा में लोगों के जो काम करवाए हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियाँ हैं, दोनों मिलकर दो तिहाई वोटों से भाजपा का कैंडिडेट लेगा। एक तिहाई वोटों में कितना बंटवारा होता है ये आप लोगों का काम है जानना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हमारे कृषि मंत्री जी, ऐसे सवाल तो भाई किसी ने भी नहीं करे होंगे, फिलहाल आप अपने रिकमेंड बॉक्स में जरूर दें आपने के पूछना है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर पूछ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।